सीरीज़ एलसीआर सर्किट में हम इसमें ये करने वाले हैं कि आपके पास सपोज एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है? एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, ठीक। तो आपके पास एक आर है, एक एल है और एक सी है, और आपने सपोज ईएमएफ जो नीचे लगाई वो क्या लगाई? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर आपने ईएमएफ ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाई तो इन तीनों में करंट की वैल्यू कितनी जाएगी, ये मेरा क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन किया था सॉल्व, लेकिन हमने पहले ओनली रजिस्टर लिया था, फिर हमने ओनली इंडक्टर लिया था, फिर हमने ओनली कैपेसिटर लिया था। अब हम क्या ले रहे हैं? तीनों के तीनों ले रहे हैं, आर एल और सी इकट्ठे सीरीज में ले रहे हैं, तो करंट क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले रूल नंबर वन, इसके अंदर जो करंट है रजिस्टर में एंड जो इसकी वोल्टेज है वी आर, दे आर इन सेम फेज। तो अगर मैं इस बात को वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो V और I सेम फेज में एक ही लाइन में बनाया मैंने। लेकिन इंडक्टर के अंदर करंट अगर इसी डायरेक्शन में है तो V की वैल्यू इंडक्टर की 90 डिग्री आगे होगी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम रिजल्ट किया था कि इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90। ये पॉइंट भी क्लियर है। और अगर बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में करंट इधर है, कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे है बाय एन एंगल ऑफ 90। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर करंट को मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि सीरीज में करंट की एक एक्सिस एक ही रखा। हाँ, आप कर सकते हो, आप करंट ऊपर नीचे करके वोल्टेज को एक रख लो, एक ही बात है। तो मैंने क्योंकि सीरीज है तो करंट को सेम रखा, और मैंने कहा कि रजिस्टर में सेम फेज में करंट और जो वोल्टेज है, इंडक्टर में आगे है और कैपेसिटर में पीछे है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना है कि करंट इसमें कितना जाएगा अगर मैंने इतनी ईएमएफ अप्लाई की। मैं क्या करने वाला हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ये डायग्राम और ये डायग्राम, इन तीनों को इकट्ठे करने वाला हूँ। देखो कैसे इकट्ठे करूँगा मैं इनको, ऐसे इकट्ठे करेंगे हम कि सपोज करो ये जो एक्सिस है सपोज वो करंट का वेक्टर है, मान लो करंट वेक्टर है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टर की, रेजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, तो डायग्राम यही था, वोल्टेज में और करंट में सेम फेज, ये डायग्राम था। अगर हम करंट को ऐसी रखें जैसा कि आपको दिख रहा है ना, ऐसी रखते हैं, जो वोल्टेज इंडक्टर में है वी एल, देखो वो करंट से आगे है बाय एन एंगल ऑफ 90, तो करंट को तो फिक्स कर लिया हमने, तो वोल्टेज रेजिस्टर में करंट के साथ है, वोल्टेज जो है वो इंडक्टर में करंट से आगे है 90 डिग्री, और उसी तरीके से वोल्टेज अगर कैपेसिटर की बनानी है तो कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से पीछे है। तो तीनों डायग्राम को कंबाइन कर लिया, कोई डाउट इसमें? अब इसमें तीन वेक्टर्स हैं VL, VA, VC और VR। मेरे को इन तीन वेक्टर्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। आप कहेंगे कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो सकता है, वोल्टेज तो वेक्टर ही नहीं है। तो हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करके सॉल्व करेंगे और आंसर प्रैक्टिकली बिल्कुल सही मैच करता है जो प्रैक्टिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड वोल्टेजेस चलती हैं। तो ये टेस्टेड मेथड है। तो अगर हम इसको वेक्टर एज्यूम कर लें और वोल्टेज को दो वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मुझे क्या पता VL बढ़े या मुझे क्या पता VC बढ़े। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम कि इफ VL ग्रेटर देन VC, अगर VL VC से बढ़े तो ऐसे केस में जो नेट वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। बोलो कितना आएगा? VL माइनस VC। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में VC बढ़ा है तो वेक्टर नेट नीचे आएगा, कितना? VC माइनस VL। वो डिपेंड करेगा दो केस पे। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि VL ग्रेटर देन VC है तो आपका नेट वेक्टर ऊपर है। तो अब आपके पास एक ये अनसॉल्व वेक्टर है VL माइनस VC और एक VR। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ड्रॉ करूंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लो, ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और मेरी नेट वोल्टेज की वैल्यू क्या आई? VR का स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे पास इस क्वेश्चन में जो नेट वोल्टेज की वैल्यू आई, नेट वोल्टेज या नेट EMF, वो किसके इक्वल आ रही है? अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर।
क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो नेट वोल्टेज आ गई। अब इसके अंदर जो नेट वोल्टेज का वेक्टर है वो करंट से आगे है बाय एन एंगल ऑफ कितना, फाइव, करंट से आगे है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इक्वेशन लिख के बताओ करंट और वोल्टेज की, तो दो तरीके हैं इक्वेशन लिखने के। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नेट वोल्टेज करंट से फाइव आगे है, या नेट करंट वोल्टेज से फाइव एंगल पीछे है? तो अगर मैं ये लिखता हूँ कि ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो करंट की इक्वेशन बननी चाहिए आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि करंट फाइव पीछे है। या फिर ऐसे लिखना चाहिए, करंट को लिखना चाहिए आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ईएमएफ की इक्वेशन को लिखना चाहिए ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अंदर ईएमएफ आगे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रही है करंट से, मैन एंगल ऑफ फाइव, तो इसमें 90 डिग्री आगे पीछे नहीं, इसमें फाइव एंगल आगे पीछे है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और अगर कोई पूछे फाइव है कितना, तो फाइव निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर टेन ऑफ फाइव पता है क्या आएगा, टेन फाइव आएगा। ये साइड क्या है, वी एल माइनस वी सी, ये क्या है वी आर, तो वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, डाउट इसमें क्लियर है? तो वी एल माइनस वी सी बाय वी आर, तो आपको क्वेश्चन में वी एल गिवन होगा, वी सी गिवन होगा, वी आर गिवन होगा, वहाँ से फाइव कैन बी कैलकुलेटेड। या एक और तरीका है फाइव निकालने का, टेन ऑफ फाइव। सीरीज एल सी आर में करंट आर में एल में और सी में सेम होगा, तो आप इसमें ओम नो लगाओ, आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स सी, आई इंटू आर। तो यहाँ से टेन फाइव की वैल्यू आएगी एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, तो ये टेन फाइव का फॉर्मूला है। तो आप प्लीज़ अपने फॉर्मूला बुकलेट में सीरीज एल सी आर का टॉपिक लिखें, आप लिखें सीरीज एल सी आर, सीरीज एल सी आर में नेट वोल्टेज का फॉर्मूला लिखें, इतना होता है। सीरीज एल सी आर में टेन फाइव का पहला फॉर्मूला और टेन फाइव का दूसरा फॉर्मूला, प्लीज़ ये दोनों दोनों के दोनों नोट करें। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी को अगर कंटिन्यू करें तो जो नेट वोल्टेज है इसमें, नेट वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैंने कोई क्वेश्चन दिया जिसके अंदर जैसे ये न्यूमेरिकल दिया, ये एल सी आर सर्किट इन सीरीज का न्यूमेरिकल दिया, और ये ए सी सर्किट है, इसके अंदर करंट जा रहा है, और मैंने आपको कहा कि वी आर की वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है, वी एल की वैल्यू 10 वोल्ट है, और वी सी की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो बोलो नेट वोल्टेज कितनी है। तो नेट वैल्यू में प्लीज़ गलती से ये मत बोलना 10 प्लस 10 प्लस 10 30। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी डीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये एसी है। तो यहाँ वोल्टेजेस ऐसे ऐड नहीं होती, यहाँ ऐसे ऐड होती हैं वीआर का स्क्वायर वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। तो नेट आंसर क्या आएगा 10। तो डीसी के अंदर सीधा ऐड होती हैं, एसी के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ करके ऐड होगी।
पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। दूसरा, इसके अंदर क्योंकि ये नेट वोल्टेज की वैल्यू है, मान लो आपके सीरीज के अंदर करंट जा रहा है आई, तो वी आर की जगह क्या पुट करेंगे, आई इंटू आर। वी एल की जगह क्या पुट करेंगे, आई इंटू एक्स एल। वी सी की जगह आई इंटू एक्स सी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, नेट वोल्टेज की वैल्यू आ गई, ठीक। तो नेट वोल्टेज की वैल्यू विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर का आई बाहर आ गया, क्या बचा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। या फिर नेट वोल्टेज को अगर मैं डिवाइड करूं नेट करंट से तो मेरे पास क्या टर्म आएगी, तो मुझे पता है नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस को इस टॉपिक में रेजिस्टेंस नहीं बोलते, होते रेजिस्टेंस है पर रेजिस्टेंस कंफ्यूज करेगी आर के साथ, इसका नाम है इंपीडेंस। इंपीडेंस, तो इंपीडेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इसको आर से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट का फॉर्मूला प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला नोट करो, क्लियर है, ये फॉर्मूला याद करना है। दिस इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। अब अगर आप टैन फाई के फॉर्मूले को देखें, टैन फाई वो फॉर्मूला क्या था, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर है ना, या वी एल माइनस वी सी बाय आर, कुछ भी ऐसे। तो एक इमेजिन करो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर ये फाई है, जिसके अंदर टैन फाई को क्या लिखेंगे, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। अगर इसको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये साइड क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं, जेड। तो ये पाइथागोरस से ही आपको क्या दे रही है, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इस ट्राइंगल का नाम है इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल, ठीक है। और इंपीडेंस ट्राइंगल में अगर कॉस फाई की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी हो तो पता है क्या आएगी, आर बाई जेड। ये भी फॉर्मूला नोट करो, इंपीडेंस ट्राइंगल के साथ कॉस फाई इज आर बाई जेड, क्योंकि या तो फॉर्मूला टैन फाई का लगता है या फॉर्मूला कॉस फाई का लगता है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो इंपीडेंस ट्राइंगल सभी रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दे रहा है आपको, टोटल इंपीडेंस की वैल्यू दे रहा है आपको, तो इंपीडेंस ट्राइंगल। अब ये पूरी थ्योरी लिखी गई है ये अज्यूम करते हुए कि वी एल ग्रेटर देन वी सी, तभी तो वी एल पहले वी सी बाद में आया था। लेकिन अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल है तो एक्स सी पहले आएगा एक्स एल बाद में आएगा, पर इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड ये रहेगा।
ठीक, तो क्योंकि इसमें होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की वजह से एक्स ही पहले लो या एक्स एल बाद में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्योंकि टेन फाई की जो वैल्यू है यहाँ पे, टेन ऑफ फाई की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, तो अगर आपका एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाए, ठीक है, अगर एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाए तो फाई क्या हो जाएगा, जीरो। फाई एंगल किसके किसके बीच में होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में होता है, फाई एंगल वोल्टेज करंट के, तो अगर वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल फाई है तो इसका मतलब, और फाई जीरो है, इसका मतलब ये इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगी हुई है, ओनली रेजिस्टेंस, इसमें ओनली रेजिस्टेंस लगी हुई है। कि फाई जीरो कब होता है, दे आर इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में कब होते हैं, जब ओनली रेजिस्टेंस लगी होती। तो इसमें इस टाइप के सर्किट को बोलते हैं नॉन इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट। नॉन इंडक्टिव सर्किट का मतलब इसमें इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं है, ओनली रेजिस्टर है। लेकिन अगर एक्स एल एक्स सी से बड़ा हो जाए या वी एल वी सी से बड़ा हो जाए, बात एक ही है, तो उस केस में फाई क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमने किया वी एल ग्रेटर देन वी सी है तो फाई आपका ऊपर की तरफ गया था, यानी कि ई एम एफ बड़ी है, ई एम एफ आगे है करंट से बाय एंगल ऑफ फाई, आज हमने यही किया। तो ऐसे केस में बोलते हैं दिस इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस ज्यादा डोमिनेट कर रही है, ठीक। और ऐसी अगर एक्स एल लेस देन एक्स सी हो जाए तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, फाई क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप के सर्किट्स में कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगी, फाई नेगेटिव आएगा। फाई नेगेटिव का मतलब आपकी नेट वोल्टेज ऊपर की बजाय कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अगर ये करंट है तो नेट वोल्टेज यहाँ आएगी, इसका मतलब ये है फाई नेगेटिव। क्योंकि डायग्राम आपका ऊपर बनने के लिए डायग्राम आपका नीचे बनेगा। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?